एडमिशन कहती है कि नहीं इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो बाहर से है कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है, यही बात सिटीजंस कमीशन ने भी कही थी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहाँ डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीज़ों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं कि मैंने उसका, उस आदमी ने जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ज़रूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सिटीजन्स का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोग को आना चाहिए।